की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। हम खबर यहाँ पर आपको दें कि शेख रशीद की कौमी असेंबली से वापसी मुश्किल बना दी गई। शेख रशीद के खिलाफ लीगी कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई है। पुलिस ने शेख रशीद को बाहर निकाला। शेख रशीद की इजलास के बाद घर वापसी मुश्किल बना दी गई और लीगी जो कारकुनान है उनकी जानिब से शेख रशीद के खिलाफ नारेबाजी की गई है। शेख रशीद की कौमी असेंबली से वापसी इंतहाई मुश्किल बना दी गई। शेख रशीद के खिलाफ लीगी कारकुनों ने नारेबाजी की और पुलिस ने शेख रशीद को निकाला। टीका खानसानी से बस ये जानते हैं, टीका खानसानी ये बताएगा अब शेख रशीद अहमद कहाँ पर है। जी बिल्कुल, शेख रशीद को यहाँ पे सिक्योरिटी हिसार में यहाँ की जो कौमी असेंबली की और उसकी अपनी सिक्योरिटी है उसने अब तो यहाँ से निकाल दिया है बड़ी मुश्किल से। लेकिन जब वो कौमी असेंबली के हॉल से नीचे आए, लिफ्ट से बाहर आके गैदरिंग बहुत थी, वहाँ पे पीएमएलएन के कारकुन भी थे, मुस्लिम लीग नू इसके अलावा तहरीक इंसाफ के भी कुछ कारकुन थे, लेकिन ज्यादा अक्सरियत जो थी वो थी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की। जिसके बाद उन्होंने बाकायदा शेख रशीद का उल्टा नाम लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसपे शेख रशीद गुस्से में आए। भीड़ थी, बहुत ज्यादा रश था, कुछ लोग आगे भी बढ़े तो सिक्योरिटी ब्रांच के लोगों ने और जो कौमी असेंबली का अमला है उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में लोग ठीक है। ठीक है खान सानी साथ ही रहेगा, शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। शेख साहब क्या